actually rolling. Rolling? Yes. So, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. बहुत ही beautiful song है आपका, मैंने देखा तो थोड़ा सा पहले तो सबसे पहले इस बार and जो जितना भी beautiful location है and जो picturize किया गया है थोड़ा सा बताना चाहिए कि क्या क्या location पर आपने shoot किया है, क्या क्या location बनारस भी मुझे दिख रहा है. हाँ जी, आप बताइए. जय श्री राम एक्चुअली मैंने बहुत पहले लिखा था और जब भी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तब मैं अपने दादाजी के साथ ये भजन गाती आई थी. लेकिन अभी इस दौरान जब 22 जनवरी निकट है तो हर कोई अपनी अपनी तरफ से भक्ति कर रहा है, तो मैंने सोचा ये सही समय होगा अपनी भक्ति को दूसरे राम भक्तों के साथ शेयर करने के लिए. और इसका जो वीडियो है, जो धुन है, सब कुछ बहुत ही सिंपल रखा है, बिकॉज ये किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये मेरी भावना की एक अभिव्यक्ति है. और हमने इसे मुंबई में काफ़ी सारे रियल मंदिरों में ही शूट किया है, कुछ बनारस की भी फुटेज है, कुछ और दूसरे उज्जैन की भी फुटेज है, तो अलग अलग जगह से फुटेज लिया है. लेकिन कोशिश की है कि जितनी सादगी हो सके, जितनी सादगी से भावना प्रकट हो सके उतनी हो. बिल्कुल बिल्कुल. एंड जब जब अयोध्या की बात होती है, जब जब राम मंदिर की बात होती है, तो इस क्योंकि 22 तारीख का जस्ट तो इस मौके पर आपका गाना भी आया है, तो क्या कुछ जहन में आता है पलक जी के अयोध्या या राम मंदिर की जब जब बात की जाती है? राम मंदिर की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, राम जी की बात की जाए, राम जी मेरे अस्तित्व, मेरा अस्तित्व ही राम जी है, मैं कहूँगी हिस्सा भी नहीं कह सकती. बचपन से ही हम घर में राम राम बोलते आ रहे हैं, आप मेरे परिवार से वाकिफ हैं. हम गुड मॉर्निंग के बजाय भी सुबह राम राम बोलते हैं, फ़ोन पर भी दादाजी दादी जी को हेलो नहीं बोलते, राम राम कहते हैं. तो जो राम शब्द है वो मेरे लिए सिर्फ एक मंदिर में जाकर प्रार्थना करना ही नहीं है, बल्कि राम जी का जो डायरेक्ट वास्ता है वो कर्म से है. और मैंने कोशिश की है अपने जीवन में कि मैं जितना उस कर्म को महत्व दे सकूं उतना दूं, चाहे वो किसी ज़रूरतमंद की मदद करना हो, किसी मुरझाए हुए चेहरे पे मुस्कान लाना हो, किसी भूखे को खाना खिलाना हो, वहीं पर राम जी हैं. और अगर आप इस आपने इस भजन को देखा है तो इसमें भी मैंने वही दर्शाने की कोशिश की है. और अभी अयोध्या मंदिर में मूर्ति की स्थापना, राम जी का जो बचपन का रूप है उसका विराजमान होना, हम सब के लिए, हर एक हिंदू के लिए, हर एक राम भक्त के लिए स्पेशली बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इसलिए है क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार हुआ है और फाइनली जो सही था वो होने जा रहा है. सो आप जा रहे हो आप, क्योंकि इनविटेशन तो मैंने देखा. मैं जा रही हूँ अयोध्या. कब जा रही हूँ ये मैं साफ तौर पे नहीं बता सकती, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला. बिल्कुल बिल्कुल. जैसा कि आपने ये बताया, हम सभी राम भक्तों को या सारे देशवासियों को बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था कि इस हिस्टोरिकल मोमेंट का. आप बताइए कि कितना उसको आप फील कर रही हैं एंड जो जबकि आप जाने वाली हैं, तो कितना प्रिविलेज, कितना मोमेंट होने वाला है आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा बड़ा पल होने वाला है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. जिस तरह हम दिवाली मनाते हैं, आई थिंक अब से इसी तरह हम दिवाली मनाएंगे. जिस तरह वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, काफ़ी सारे घरों में वो लला का रूप लेकर आ रहे हैं, अपने घरों के मंदिर में भी विराजमान कर रहे हैं राम जी को, बहुत ज़्यादा खुशी भी एक्चुअली बहुत छोटा शब्द महसूस हो रहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट है. दिए जलाने वाले हैं घरों में, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, जिस तरह दिवाली के बहुत पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं उसी तरह घर में तैयारियाँ हैं. सो और आपका एक गाना तो आ गया हमने देखा, सो और तकरीबन और भी कुछ गाने आएंगे आपके इस साल? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लाइनअप है, सिर्फ गाने ही नहीं और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हुई हैं जो मैं बहुत बेताब हूँ सबके साथ शेयर करने के लिए. मेरे मिशन से जुड़ी हुई चीज़ें भी इस साल, मेरे 3000 सर्जरीज पूरे होने वाले हैं, साथ ही साथ जो मेरा हॉस्पिटल बन रहा है उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है. गाने भी बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, सो बहुत एक्साइटेड हूँ 2024 के लिए. सुपर. एंड क्योंकि गाना हमने सुना बहुत ही ब्यूटीफुल है, कुछ फ्यू लाइंस अगर आप गुनगुना सकें. बनेगी बिगड़ी का जय श्री राम, सबसे सुंदर नाम जय श्री राम, होए वही जो रचते हैं श्री राम. Don't walk.
जय श्री राम। सुपर, थैंक यू सो मच एंड गुड लक, थैंक यू। हट।